Hey guys, my name is Evraj Styles and welcome back to my YouTube channel. अभी तक इस एपिसोड में हम अपने लिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल ले चुके हैं और इस वीडियो में हम हेयर को स्टाइलिंग करने के बारे में जानेंगे। तो आप कितना भी अच्छा हेयर कट क्यों ना ले लो, अगर आपको उसे स्टाइल करना ही नहीं आता है तो उससे आपके अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेयर स्टाइलिंग इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आप इससे सिंपल से सिंपल हेयर कट को भी अच्छा और स्टाइलिश दिखा सकते हो। यहाँ पे स्टाइलिंग में हमारा गोल है अपने हेयर को मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम देना एंड उससे नीटली प्रेजेंटेबल दिखा के अपने अपीयरेंस में उसका वैल्यू ऐड कराना। वैसे तो अलग अलग हेयर स्टाइल के लिए अलग अलग हेयर स्टाइलिंग प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक कॉमन सा प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ जो पर्सनली मैं करता हूँ अपने हेयर स्टाइल के लिए। स्टेप वन काफी सिंपल है। यहाँ पे आपको अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर टॉवल से अपने हेयर में जो भी एक्सेसिव वाटर है उसे डैप करके बाहर निकाल देना है। ध्यान रहे कि टॉवल को अपने हेयर पे रब जोर जोर से ना करें, नहीं तो हेयर फॉल पक्का हो जाएंगे। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में एक्सेसिव वाटर रिमूव करने के बाद आपको कोई सा भी अच्छा सा हेयर ऑयल या फ्री स्टाइलर, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। और इसको यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम अपने हेयर को ब्लो ड्राई करने वाले हैं, ये हमारे हेयर को डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे अपने फ्री स्टाइलर को हेयर में लगाने से पहले अपने हाथों में उसे अच्छे से रब कर लेना है एंड देन फिर हेयर में लगाना है। स्टेप 3 में आपको एक ब्लो ड्रायर लेना है और फिर अपने हेड को थोड़ा जमीन की तरफ नीचे कर देना है एंड फिर मिनिमम हीट पे अपने हेयर को ब्लो ड्राई करना है। हेड को नीचे करने से नेचुरली ग्रेविटी की वजह से आपके हेयर सारे स्ट्रेट हो जाएंगे, जिससे आपको ब्लो ड्राई करने में आसानी होगी और इससे आपको अच्छी वॉल्यूम भी मिलेगी। फिर आपको एक राउंड ब्रश लेना है एंड फिर आपको जिस तरफ से अपने हेयर को स्टाइल करना है उस साइड में थोड़ा हीट को इंक्रीज करके आपको अच्छे से ब्लो ड्राई करना है स्टेप बाय स्टेप। इससे आपके हेयर में वॉल्यूम ट्रैप हो जाएगा और लगभग आप मैसी लुक अचीव कर लोगे। मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं तक करता हूँ। अगर आप भी मैक्सिमम टाइम घर पे रहते हो, कहीं बाहर या पार्टी में नहीं जाते हो, तो आप भी अपने हेयर स्टाइल को यहीं तक स्टाइल करके छोड़ सकते हो। लेकिन इससे आगे के स्टेप में हम थोड़ा सा हेयर प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ पे छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट अपने हेयर में यूज करें तो अपने से आप पहले उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, देन खुद पे अप्लाई करें, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही है। मे बी अगर आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ जरूर साइड इफेक्ट दिखाएगा। मे बी जब आप 30s में हो गए, 40s में हो गए, तब आपको हेयर फॉल के इशू हो सकते हैं। तो इससे आगे का स्टाइलिंग स्टेप मैं तभी करता हूँ जब मैं शूटिंग पे हूँ या फिर पार्टी में जा रहा हूँ या फिर कहीं कॉलेजेस या आउटडोर में कहीं मीटिंग पे जा रहा हूँ। स्टेप 4, मेरा जो स्टेप 4 है उसमें मैं सबसे पहले एक हेयर वैक्स यूज करता हूँ। आप अपने हेयर स्टाइल के हिसाब से हेयर वैक्स या पोमेड कुछ भी यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर हेयर वैक्स आपके हेयर को होल्ड और वॉल्यूम ऐड करने का काम करेगा। नोट, वेवी हेयर टाइप वाले लोग इस स्टेप से पहले एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो पर्सनली मैं करता हूँ। मैं अपने हेयर में वैक्स लगाने से पहले अपने हेयर को स्टाइलिंग करता हूँ हेयर स्ट्रेटनिंग से। जैसे कि मेरे हेयर वेवी हैं और मुझे इस हेयर स्टाइल के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेट लुक चाहिए, तो यहाँ पे मैं हेयर स्ट्रेटनिंग थोड़ा सा करूंगा। ध्यान रहे कर्ली हेयर वाले लोग इसे अवॉइड करें क्योंकि इससे कर्ल सीधे नहीं होंगे। अगर थोड़े सीधे हो भी गए तो थोड़ी देर बाद वो फिर से कर्ल हो जाएंगे। एंड हेयर स्ट्रेटनिंग ज्यादा यूज ना करें क्योंकि ये आपके हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। पर्सनली मैं भी कुछ पर्टिकुलर लुक्स में इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो जिन लोगों का वेवी हेयर है वो पहले अपने हेयर को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे, उसके बाद स्टेप 4 को फॉलो करेंगे। स्टेप 4 में अपने हेयर वैक्स को अच्छे से अपने हाथों से रब करना है एंड देन उसे हेयर के टिप्स से लगाना शुरू करना है। ध्यान रहे रूट में हेयर वैक्स ना लगाएं। हेयर वैक्स लगाने के बाद हम चलते हैं स्टेप 5 में। इस स्टेप में आपको अपने हेयर को टेक्सचरिंग एंड फिक्स करना है। तो उसके लिए आपको अपने हेयर स्टाइल के हिसाब से टेक्सचर देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा लेजर वाइब चाहिए तो आप फिंगर को यूज करके आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो क्लीन और क्लासी लुक के लिए आप कॉम्ब यूज कर सकते हो। अब टेक्सचरिंग करने के बाद आपको एक अच्छे से हेयर स्प्रे से अपने हेयर को फिक्स करना पड़ेगा ताकि होल्ड और वॉल्यूम लॉन्ग टर्म तक बना रहे। ये ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ी देर के लिए ही घर से बाहर जा रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल है कि हम कम से कम हेयर प्रोडक्ट यूज करें ताकि इससे होने वाले साइड इफेक्ट को हम अवॉइड कर पाए। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि रात में सोने से पहले अपने हेयर के सारे प्रोडक्ट को आप अच्छे से रिमूव कर लीजिए, नहीं तो आपके हेयर बहुत डैमेज हो जाएंगे और हेयर फॉल शुरू हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हेयर की केयरिंग के बारे में बात करेंगे, तो उसे आप यहाँ इन्फो कार्ड से देख लीजिए। एंड अगर आप इस वीडियो में दिखाए कोई सा भी हेयर प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ऐसे ही आने वाले क्वालिटी कंटेंट के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।